मानते हो, सुख संपत्ति से सुख मानते हो या संतान से सुख मानते हो, उसका उदाहरण देते हुए बताते हैं। सर्व सोने की लंका होती रावण से रण धीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। फिर बताते हैं, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। यदि आप यहां संपत्ति चाहते हो, बड़ी बड़ी हवेली बनाना चाहते हो, कई कई मंजिल की कोठियां बनाना चाहते हो, और उसके ऊपर अच्छी मार्बल वगैरह लगा कर अपनी शानो शौकत बनाकर आप खुश हो, उसको संकेत देते हैं कि श्रीलंका का राजा जो रावण था, उसने सोने के महल बना रखे थे सोने की ईंटों से, और उसके 1,00,000 पुत्र थे, और ऐसे कुभद करने वालों का जो सत भक्ति नहीं करते, रावण भक्ति भी करता था लेकिन भगवान शंकर की करता था, तमोगुणी शंकर की। और ये भगवान आपको केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और वो समर्थ परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, अकाल मूर्त है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में बनारस में धारणक रूप में आए थे, 120 वर्ष रहे, वो ये ज्ञान ही दिया करते थे, और एक झोंपड़ी में बैठकर सारे ब्रह्मांडों का संचालन भी करते थे, और हम सबका पालन पोषण भी करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। जब तक हम सत भक्ति नहीं करते हो तो अपना कर्म ही मिलता है। तो यहां याद दिलाना चाहते हैं, यदि तुम संतान ही मान परमात्मा से मांगते हो, या आपको संतान प्राप्त है, बेटा और बेटी, उनकी अच्छी कोई व्यवस्था है, उनके बढ़िया रोजगार चल रहे हैं, और आप निश्चिंत होकर बैठ गए हो, मूल उद्देश्य भूल गए हो भगवान का, तो आपकी भूल है। 1,00,000 पूत सवा लख नाती, और उस रावण काज को दीवान बाती, दीपक लगाने वाला नहीं शेष बचा। तो इस गंदे लोक में आप इन्हीं व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं तो आपका भूल लाग रही है, उस भूल को तोड़ने के लिए परमात्मा आते हैं, या अपना कोई दास भेजकर आपको सजग करते हैं कि आप अपना मूल उद्देश्य भूल चुके हो। उसके लिए याद दिलाते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनकी भगवान मदद करते हैं। जैसे इसमें एक प्रसंग आया है कि लंका तोड़ी, बिलंका तोड़ी, और अहि रावण से मारे 10 मस्तक रावण के काटे, और विभीषण को राज दिया रे। परमात्मा कहते हैं, यदि तूने यहां की थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं भी चाहिए तो वो भी हम देंगे, और जो हम देंगे वो तेरे अनुकूल होगी, और आप अपने प्रयत्न से यहां की सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहोगे तो आप गलती पे गलती करोगे, कहीं रिश्वत लोगे, सैकड़ों झूठ बोलकर कोई माल बेचोगे, मिलावट करोगे, वो आपके लिए कहर साबित होगा एक दिन, तो ऐसी गलतियां ना करना। फिर बताते हैं,